बारसंग अध्यक्ष पद के आज हुए हैं चुनाव। जितेंद्र सारस्वत अध्यक्ष बन चुके हैं, पहली बार नहीं है, पहले भी बहुत बार यहाँ हनुमानगढ़ बारसंग के अध्यक्ष रह चुके हैं और इस बार फिर उन्होंने बाजी मारी है। अध्यक्ष की कुर्सी उनके सिरमौर बनकर अब फिर इस साल जो बारसंग के अध्यक्ष के चुनाव हुए थे उसमें उन्होंने जीत हासिल कर ली है। चलिए सुनाते हैं कि जितेंद्र सारस्वत अध्यक्ष पद पर आसीन होने के बाद क्या कह रहे हैं। मैं मेरे हनुमानगढ़ बार के सभी सदस्यों का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं उनका आभारी रहूंगा। उन्होंने मेरे प्रति जो विश्वास व्यक्त किया है ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं इस बात की हमेशा रक्षा करूंगा। मेरे अधिवक्तागण, आज के बाद मैं ऐलान करता हूँ कोई भी प्रशासनिक ढांचा, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, हमारे किसी भी अधिवक्ता के साथ किसी समाज के किसी अंग ने अगर बदतमीजी करने की कोशिश की या उसको इग्नोर करने की कोशिश की तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। अब से पहले जो था जैसे भी था उसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा। अब हमारे अधिवक्ता का कोई भी काम किसी भी तरह का होगा वो रुकेगा नहीं। अगर कोई रोकने की कोशिश करेगा तो हम उसको रुकने नहीं देंगे। और कोई भी अंग पर हमारे अधिवक्ता की अगर सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा हम उससे गलत पेश आएंगे। उसकी जिम्मेवारी हमारी होगी। सामंजस्य रखेंगे, तारतम्य रखेंगे। उसके बाद भी कोई अफसर कोई अधिकारी जितेंद्र सारस्वत किसी भी अधिवक्ता के साथ गलत व्यवहार करता है तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। और मैं इसके बाद अधिवक्ताओं से एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा कि आज मैंने देखा चुनाव के समय सभी लोग बड़े हिलमिल के काम कर रहे थे, एक दूसरे का हाल पूछ रहे थे। तो मैं मेरे साथियों से बोला कि अगर इस तरह की भावना हमारी बार में हमेशा 12 महीने रहे तो ये बार संघ एक मंदिर बन जाएगा, एक गंगा बहने लग जाएगी। तो मैं अधिवक्ताओं से निवेदन करूंगा वो आपस में प्रेम स्वार्थ रखें। और मैं अधिवक्ताओं से फिर निवेदन करना चाहूंगा, कोई भी अधिवक्ता अगर उसका कोई पर्सनल काम है तो मैं बार के सदस्यों से निवेदन करूँगा वो उसके सामने खड़े नहीं हों। ये मेरा आग्रह रहेगा, मेरा निवेदन रहेगा। वैसे देखा जाए तो जितेंद्र सारस्वत कई बार हनुमानगढ़ बार संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, फिर उन्होंने आज अध्यक्ष की कुर्सी पर अपनी जीत हासिल की है। और वैसे देखा जाए तो उनका जो इतिहास यही रहा है कि बार संघ के जितने भी एडवोकेट्स हैं, सदस्य हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए वे आगे रहे हैं। अध्यक्ष रहें नहीं रहें, प्रत्येक बार जब भी कोई एडवोकेट्स पर मुसीबत आई, कोई समस्या आई, जहाँ कोई कार्यालयों के अंदर उनका काम नहीं हो रहा हो, जहाँ उन पर कोई आंच आ रही, तो वे आगे ही रहे हैं। और अब फिर अध्यक्ष पद पर आसीन हो चुके हैं और लोगों को, एडवोकेट्स को यही उम्मीद है कि उनकी लड़ाई में वे हमेशा साथ रहेंगे, आगे रहेंगे और समस्याओं को अच्छे ढंग से उठाएंगे। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।